सुपर स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। नायलॉन मांजा बनाने, बेचने और इस्तेमाल को लेकर मनपा सख्त, कल से धरपकड़ कार्रवाई शुरू। नागपुर मकर संक्रांति त्योहारों को मात्र 2 सप्ताह शेष रह गए। इस त्योहार पर पारंपरिक तौर पर जमकर पतंगबाजी होती है। अभी से आकाश पर रंग बिरंगे पतंग उड़ाते देखे जा सकते हैं। इसे देखते हुए मनपा अभी से नायलॉन मांजा पर प्रतिबंध को लेकर सक्रिय होते नजर आ रही है। लिहाजा मनपा स्वास्थ्य विभाग नायलॉन मांजा निर्मित, बिक्री व उपयोग पर बंदी हेतु 44 सेवानिवृत्त सैनिकों की टीम गठित कर निगरानी करेगी। 27 दिसंबर से मनपा का स्वास्थ्य विभाग नायलॉन मांजा की बिक्री उपयोग के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जोन निहाय पथक का गठन किया गया है। बावजूद इसके नायलॉन मांजे की खुलेआम बिक्री पर लगाम लगाना बड़ा लक्ष्य नजर आ रहा है। मालूम हो कि मांजे के साथ प्लास्टिक पतंगों की बिक्री भी बड़े पैमाने पर हो रही है। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और होता है। पतंग उड़ाते वक्त पेच लेने में धागा टूटे नहीं, इसलिए नायलॉन मांजे का इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन मांजा मनुष्य के लिए जानलेवा साबित होता है, इसलिए न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले वर्ष 100 से अधिक लोग नायलॉन मांजे से जख्मी हुए, कुछ पर अस्पताल में भर्ती होने तक की नौबत आई। इस संबंध में जिला प्रशासन मांजा निर्माण बिक्री उपयोग पर पाबंदी लगा चुकी है। फिर भी शहर के अमूमन सभी पतंग विक्रेता नायलॉन मांजा की बिक्री कर रहे हैं। बंदी के कारण बिक्री ब्लैक में की जा रही है। शहर के थोक बाजार गांधी बाग, इतवारी आदि में धड़ल्ले से बिक्री जारी है। तो देखते रहिए खास खबर MNS निर्दय के साथ। MNS निर्दय की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।